ओके गाइस, स्वागत है मेरे इस गेमिंग यूट्यूब चैनल गेमिंग ग्रुप लाइव में, जहां पर हम सब खेलते हैं विजुअल स्पेक्टिकल और एक्शन से भरपूर धुआंधार पीसी गेम्स। तो दोस्तों आज हम फिर से खेल रहे हैं GTA 5 और आज हम करेंगे एक और मिशन जिसमें हमारे साथ होंगे फ्रैंकलिन भाई साहब, उनके एक दोस्त हैं जिनका नाम है लमार, और एक और भाई साहब हैं जो इस गेम के एक बेहद ही मेन कैरेक्टर हैं, मैं उसका नाम फिर से बोल रहा हूँ। खैर जो भी हो, अब हम गेम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं सड़क के बीच में ट्रैम लाइन है, इस ट्रैम लाइन के थोड़ा सा आगे आप चलोगे इसी ट्रैम लाइन के साथ साथ तो आपको एक टनल भी दिखेगा। उस टनल में अगर आप चले जाते हो और आपके पीछे पुलिस बढ़ी है मतलब, और अगर आप उस टनल में चले जाते हो तो उस टनल में जाने के बाद चाहे आप 4 स्टार हो या 5 स्टार हो, पुलिस आपका पीछा करेगी ही नहीं, पुलिस आपको ढूंढ नहीं पाएगी और थोड़ी देर के बाद वो स्टार्स अपने आप गायब हो जाएंगे। चाहे जो हो जाए, आपको टनल के अंदर घुसने के बाद पुलिस क्या उसका मसीहा भी नहीं ढूंढ पाएगा। तो मिशन शुरू होता है और इस मिशन में लगता है गैंग वॉर चल रही है दोस्तों, ढेर सारा एक्शन। ओहो क्या बात है, क्या बात है ट्रेवर, अरे बंदे का नाम ट्रेवर था मेरे को अभी याद है। खैर छोड़ो, अब अपने को सभी को निपटाना है, ये जितने भी भूतनी के घूम रहे हैं यहाँ पे इन सभी को भूत बनाना है मेरे को, इन सभी का मैं आज भूत बना देगा। तो दोस्तों अभी फिलहाल मैं फ्रैंकलिन में हूँ और मैं फ्रैंकलिन और ट्रेवर के बीच में शिफ्ट कर सकता हूँ, ये इस गेम की और बहुत ही खास बात है। और फिलहाल मुझे सभी को लटाना है, मुझे कवर लेना होगा। फ्रैंकलिन के मुझे ट्रेवर के पास जाने के लिए बोला जा रहा है। हाँ अभी ट्रेवर पर मैं शिफ्ट हो गया हूँ, ट्रेवर के पास शॉर्ट गन है और ये शॉर्ट गन जो शॉर्ट रेंज है ना, बड़ी कमाल की चीज़ है शॉर्ट रेंज में, लेकिन लॉन्ग रेंज में इसका कोई फायदा नहीं, 4 गोली मारूंगा तो भी नहीं मरेगा। ये देखो ये लॉन्ग रेंज शूट किया मैंने, ये बहुत दिक्कत है। वो देखो पीछे बंदा अभी भी खड़ा है, उसमें 2 गोली मार चुका हूँ लेकिन वो फिर खड़ा हो जाएगा। खैर छोड़ो आगे बढ़ते हैं। हाँ लेकिन इस बंदे के पास एक बंदूक और होनी चाहिए, मेरे ख्याल से इसके पास AK-47 है, मैंने खरीदी है। खैर अभी देखते हैं कि वो इस गन, ये गन मेरा कहाँ तक साथ देती है। इस गेम ये गैंग वॉर में मेरी हेल्थ काफ़ी कम हो चुकी है, इस गैंग वॉर में अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे कवर लेते हुए आगे बढ़ना होगा, वरना तो मैं मर जाऊँगा। ओके जैसे कि मैंने कहा था AK-47 हाजिर है दोस्तों, अब तो मैं किसी को नहीं छोड़ेगा, लॉन्ग रेंज हो या शॉर्ट रेंज AK-47 क्लाश्निकोवा आ गवा है। ओके मैं किसी को नहीं छोड़ेगा। उत्तरी पुलिस भी आ गई, फॉलो लमार भागो, मैं जल्दी मरने वाला हूँ। नहीं सब कुछ रेड हो गया है, नहीं नहीं भागो भागो भागो, 3 स्टार हो चुका है, या मुझे मिली 3 स्टार रेटिंग, कमाल की बात है। चलो दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूँ तेरी बिकनी में छमिया, क्या बात है असली नजारे, अगर ऐसे होते तो गेम खेलने का मजा रहता, पैसा वसूल गए, क्या बात है। तो दोस्तों हम अब लमार के पीछे चल पड़े हैं, लमार मैं और फ्रैंकलिन, यानी कि लमार ट्रेवर और फ्रैंकलिन, हम सब पुलिस से बचते हुए जा रहे हैं नदी के रास्ते। ये कार वाला कौन है, लगता है गैंग मेंबर ही है, इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। ओके इसका रास्ता रुक गया, ठीक है दोस्तों अब हमें पुलिस से फिर छुड़ाना होगा, वही लूज द कॉप्स वाला। तो यहाँ पर मैं अपना फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। बेसिकली इस गेम में पुलिस से फिर छुड़ाने के 2 रास्ते, पहला रास्ता है कि आप चलाते जाओ गाड़ी चलाते जाओ या भागते जाओ पुलिस से दूर जितना हो सके, और फिर एक टाइम के बाद जब आप पुलिस की नज़रों से ओझल हो जाओगे तब जो यहाँ पर कोने में जो स्टार्स हैं जो स्टैटिक हैं वो ब्लिंक होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे वो ब्लिंक होना शुरू होंगे ना फिर थोड़ी देर में ब्लिंक होते होते वो गायब हो जाएंगे। अगर आप पुलिस के रडार में दोबारा नहीं आते हो, उनकी रेंज में दोबारा नहीं आते हो, तो वो वैसे ही ब्लिंक होते रहेंगे और एक पॉइंट के बाद गायब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पुलिस की रेंज में आ गए वो स्टैटिक हो जाएंगे, जैसे कि अभी स्टैटिक है, तो उसके बाद वो गायब नहीं होंगे, पुलिस आपका पीछा करती रहेगी। इसलिए आपका मकसद होना चाहिए हर हाल में पुलिस की रेंज से बाहर जाना, ये इस गेम का सबसे पॉपुलर और सबसे आम तरीका है पुलिस से पीछा छुड़ाने का। ये मैंने लूटी पहली कार, और मैं अकेला यहाँ से नहीं भाग सकता हूँ, मुझे उस फ्रैंकलिन को भी अपने साथ लेके भागना होगा, वरना ये मिशन फेल हो जाएगा। और पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है और फ्रैंकलिन वो रहा, वो गोलियाँ खा रहा है, इसे पहले को मर जा जल्दी, अरे बैठ जा भूतनी के, मर जाएगा तू भी और मुझे ही मार देगा, जल्दी बैठ, अरे बैठ जाओ, ठीक है आप भागो। ओ माय गॉड मुझे लगा मैं तो निकल ही लूँगा। ठीक है दोस्तों अब हम ये क्या, मुझे लगता है मैंने गलत रास्ते ले लिया, ओ तेरी जल्दी से पीछे मुड़ो, अरे भागो। ठीक है अब मैं सही रास्ते पे हूँ, हाँ भैया अब मैं सही रास्ते पे हूँ, पुलिस की गाड़ी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ ये हुई ना बात, ये अभी पुलिस मेरे पीछे ही है और मैं स्टैटिक हूँ, अभी मेरे जो स्टार समझो 3 स्टार रेटिंग मिली है मेरी सर्विस की वजह से, वो पुलिस पीछे पड़ी हुई तो अभी स्टैटिक ही है, मुझे इनको ब्लिंक कराना होगा और उसके लिए मुझे पुलिस की रेंज से बाहर भागना होगा। तो तेरी फंस गया, भगाओ, अरे यार यार ऐसा लगता है ना कभी कभी इस गेम में कि पूरी की पूरी गेम आप ही की मारने में लगी हुई है। ये देखो ये देखो ये देखो ये
ये लोग यहाँ जहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, चला कोई ना कोई आ जा रहा है अपनी मराठे के लिए, भागो पूतनी के। ठीक है, अब हम उस जाल से निकल चुके हैं जो हमारे लिए बनाया गया, अब हम पुलिस की रेंज से दूर भागेंगे। वो त्रिबिलिंग होना शुरू हो गया, भाइयों और दोस्तों, अरे सामने पुलिस वाला फिर से पकड़े गए। अरे यार, मुझे हर हाल में पुलिस से नजरों से दूर भागना होगा, मुझे फिर से इसे ब्लिंक कराना होगा। और यहाँ पर एक रास्ता और है जो कि मैंने ढूंढा है। ओ तेरी उठ गया बंदा अगले में, खैर छोड़ो, थ्री स्टार तो आई, दो चार पर ठोक दूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरा तरीका जो कि मैंने याद किया है वो है ट्रेन रूट का, मतलब यहाँ पर बीच में ना एक ट्रेन रूट है और वो ट्रेन रूट के साथ अगर आप चलोगे ना तो आपको टनल मिलेगा। और हाँ, वो रहा बिल्कुल, मैं सिर्फ उसी टनल की बात कर रहा हूँ। इस टनल के अंदर एक बार आप चले जाओ, उसके बाद पुलिस के कुत्ता भी आपको नहीं ढूंढ पाएगा। वो तेरी में टनल से बाहर आ गया। हाँ, इस बात का आपको ख्याल रखना है कि टनल के अंदर ही रहना है, टनल के बाहर नहीं आना। अगर आप टनल के बाहर आए तो पकड़े जाओगे, अगर आप टनल के अंदर आ जाते हो तो कोई माई का लाल आपको नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन इस टनल में खतरा है, इस टनल जो मेरे बगल से जा रहा है, ये ट्रेन देखिए यहाँ पर दो पटरियाँ हैं, आमतौर पर दोनों पटरियों में कभी ट्रेन नहीं आती एक साथ, लेकिन बारी बारी से आ सकती है, इसलिए आपको हर हाल में बारी बारी से उसे बचते हुए निकलना होगा। ये पुलिस की गाड़ी में रास्ते से चला, रिश्ता तो खत्म हो गया। क्या छोड़ो, भागो यहाँ से, क्योंकि हमें स्टार रेटिंग नहीं मिली है और मैं पुलिस से पंगा लेके स्टार रेटिंग नहीं लेनी। तो हाँ, आज के लिए ये मिशन खत्म हो चुका है दोस्तों, क्योंकि हमने पुलिस से पीछे छुड़ा लिया है और मुझे लगता है अभी थोड़ी देर में मिशन पास वाला भी काम हो जाएगा। हाँ, ये हो गया, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, टिल देन बाय। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन में जाके ऑल के घंटे को जोर से दबाइए, चैनल को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, अच्छा लगा या बुरा लगा बताइए, इसे शेयर कर दीजिए, इसे फैला दीजिए चारों ओर। सो गुड बाय।